नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिस्ट्रीम पे, जहां पर हम बात करते हैं बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के ऊपर। चलिए आज के बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों यूएन की एक ज्वाइंट रिपोर्ट की तरफ से। तो उनकी जो ज्वाइंट रिपोर्ट है निकाली है यूएन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं UNWTO, और साथ ही यूएन की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं UNCTAD। तो भाई इन दोनों के मिलकर एक ज्वाइंट रिपोर्ट निकल के आई है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि COVID-19 से जो हिट हुई है बिजनेस टूरिज्म की सेक्टर, उसको लेकर जो इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ा है वो लगभग पड़ा है $4 trillion का। और हम काफी समय से इसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो या फिर टूरिज्म एंड ट्रेवल सेक्टर हो, इसको COVID-19 से काफी ज्यादा मार पड़ी है। और ये आंकड़ा जो निकल के आया है वो बोला जा रहा है कि जो पिछले साल की पेंडेमिक आई थी सारा मिला करके, और वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है यहाँ पे। और तो मैं आपको बता दूं, अगर हम सिर्फ पिछले साल की बात करें तो उसमें जो पूरा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा था उसमें जो डाटा निकल के आया था वो था लगभग $2.4 trillion का, और अभी तक का डाटा निकल के आया वो हो गया ओवरऑल $4 trillion का। और इसके पीछे जो मेजर रीजन देखा गया वो बोला गया यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से कि लैक ऑफ वाइड स्प्रेड COVID-19 की जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है डेवलपिंग कंट्रीज में वो बहुत कम चल रही है या बहुत धीरे चल रही है। मतलब कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जिसमें हमारा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इंडिया भी आता है, तो इसमें जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है बहुत स्लो चल रही है। तो इसको अगर बढ़ाया जाए और उसको सही से इंप्लीमेंट किया जाए अदर कंट्रीज में या फिर हमारे अदर अलग स्टेट्स में, तो काफी हद तक बेस्ट हो सकता है टूरिज्म सेक्टर के लिए आने वाले टाइम में। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों अमूल की तरफ से। तो भाई बोला जा रहा है कि वो अपने मिल्क के जितने भी ब्रांड्स हैं उनके वो प्राइस हाइक कर सकती है लगभग ₹2 per liter के हिसाब से, और ये वो 1 जुलाई से इफेक्ट में आ जाएगी। और इनका जो टोटल ब्रांड है मैं बता दूंगा आपको कि वो है गोल्ड, ताजा, शक्ति, टी स्पेशल और भी ADC, जो भी ब्रांड है इनके मिल्क में लेकर के अमूल के। तो वह भाई अपने ₹2 per liter के हिसाब से अपने सारे मिल्क ब्रांड्स में वो प्राइस को हाइक करेंगे। और उन्होंने इसके पीछे का रीजन ये बताया है कि उनको जो मिल्क प्रोड्यूस करने में उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता था वो काफ़ी बढ़ गया था इस 1 से 1.5 साल के भीतर भीतर, और यही रीज़न है कि वो अपने मिल्क के सारे ब्रांड्स में अपने दूध की जो भी ब्रांड है उनकी वो सारे में प्राइस हाइक करेंगे 1 जुलाई से। अच्छा, और अमूल से मुझे ये याद आ गया दोस्तों कि कल हमारी जो केस स्टडी आने वाली है वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऊपर आने वाली है, जो कि बेसिकली अमूल की एक कॉम्पिटेटर कंपनी है डेयरी बिजनेस में। और इसकी जो केस स्टडी आने वाली है कल आपको लगभग सुबह 11 बजे मिल जाएगी, और वो जो केस स्टडी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं लाने वाला हूँ, मैं बता दूँ आपको ऐसी इनडेप्थ केस स्टडी आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी यूट्यूब के अंदर, और वो मतलब काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव होने वाली है, तो आप उसको जरूर देखना। अगली एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग 700 मिलियन से ज्यादा लिंक्डइन यूजर्स का डाटा जो है ऑनलाइन सेल के लिए रखा गया है हैकर्स के द्वारा। और मैं बता दूं आपको कि लिंक्डइन का जो टोटल यूजर बेस है वो है लगभग 756 मिलियन, और उसमें से भाई 700 मिलियन से ज्यादा तो उनका यूजर्स का डाटा ब्रीच हो चुका है, जिसमें बात करें तो वो 92% ऑफ द लिंक्डइन के यूजर्स होते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों हमारे IT रूल से पड़े हुए इम्पैक्ट की, जो कि हमारे टेक जायंट्स गूगल है उस पर पड़ी है। और गूगल ने भाई डाटा रिसीव किया जहाँ पे उन्हें लगभग 27,700 कंप्लेंट मिली है इस ईयर अप्रैल के अंदर। और ये कंप्लेंट किसको लेकर है, तो जहाँ पे वायलेशन किया जाता था लोगों को, और साथ ही साथ पर्सनल राइट्स को भी लेकर के काफी ज्यादा जो एलिग्ड वायलेशन होते थे चारों तरफ इंडिविजुअल्स के साथ, किसी भी इंडिविजुअल्स के साथ, तो उसी को लेकर के IT रूल्स ने कंप्लाइंस करने बोला था गूगल को, ताकि वो कोई भी ऐसा अगर वायलेशन का डाटा अपने हिसाब से पाते अपने इंडिया के अंदर तो वो उसको रिमूव कर सके या फिर उसको कंट्रोल कर सके। और इसी को लेकर के जब गूगल ने अपने साइट से इतने सारे कंटेंट्स को रिमूव किया है, तो देखा जा रहा है कि अप्रैल के अंदर सिर्फ 27,700 कंप्लेंट आए गूगल को, और बोला जा रहा है कि जो टोटल कंटेंट इन्होंने हटाया है अब तक सिर्फ अप्रैल के अंदर वो था लगभग 59,350 कंटेंट्स। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों एडटेक स्टार्टअप जिसका नाम है नालंदा लर्निंग सिस्टम, तो उन्होंने फंड रेज किया है लगभग 40 करोड़ रुपए का, और ये जो फंड उन्होंने रेज किया है आविष्कार कैपिटल से किया है। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जिसका नाम है क्रेड आर्क, तो उन्होंने फंड रेज कर लिया है लगभग $6.5 billion का, और ये जो उनको लीड कर रहे हैं यमहा मोटर्स। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों वेस्ट बंगाल की तरफ से, तो भाई उन्होंने भी फंड रेज किया लगभग 10,500 करोड़ का इस फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। और इस स्टेट ने जो फंडिंग रेज किया लगभग 10,500 करोड़, बोला जा रहा है कि वहां पे एक ऑक्शन लगी थी जिसको कंडक्ट कर रहे थे RBI, और इस ऑप्शन में स्टेट के सिक्योरिटीज या फिर उस स्टेट के डेवलपमेंट के जितने भी लोन्स थे उसको लेकर के ऑप्शन लगी थी। और मैं बता दूं आपको कि इसी टाइम पे पिछले साल इस स्टेट ने और भी फंड रेज किया था लगभग 10,000 करोड़ का, और इस साल इन्होंने 10,500 करोड़ रुपए रेज किए हैं। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों स्टूडेंट एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्विज इज, तो इन्होंने भी भाई फंड रेज कर लिया है लगभग $31.5 million का अपनी सीरीज B राउंड में, जिसको लीड कर रहे हैं टाइगर ग्लोबल।
अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों DGCA की तरफ से, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। तो उन्होंने भाई जो इंटरनेशनल फ्लाइट पे जो बैन लगी थी लगभग 30 जून तक का, तो उसको वो एक्सटेंड कर दिए हैं लगभग 31 जुलाई तक। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। तो उन्होंने भाई अभी एक पैक्ट साइन किया है ADNOC अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से, जहाँ पे वो दोनों मिल करके एक पेट्रोकेमिकल की फैसिलिटी बनाने वाले हैं अबू धाबी रुवाइस के अंदर। और बोला जा रहा है कि यहाँ पे अलग अलग केमिकल की वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जहाँ पे मैं बताऊँ नाम तो वो हो गया क्लोरलकली, इथिलाइन डाइक्लोराइड और साथ ही साथ पॉलीविनाइल क्लोराइड बोले तो PVC। भाई इसको पढ़ने के बाद याद आता है मुझे 11th की अपनी केमिस्ट्री का। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों हैदराबाद बेस्ड फर्म जिसका नाम है फोर्थ पार्टनर एनर्जी, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेसिकली 4PEL। तो इन्होंने फंड रेज कर लिया है लगभग $125 मिलियन का, जिसमें कि $100 मिलियन इन्होंने नॉर्फंड से उठाया है और साथ ही साथ $25 मिलियन इन्होंने TPG कैपिटल की राइज फंड से उठाया है। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर स्टार्टअप जिसका नाम है डिक्टेट टेक्नोलॉजीज, तो इन्होंने फंड रेज कर लिया है लगभग $12 मिलियन का, जिसको लेड कर रहे हैं एक्सेल। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों आप सबकी चाहिए थे इलॉन मस्क जी की तरफ से। तो भाई आप सभी को पता होगा कि उनका जो सैटेलाइट इंटरनेट वाला बिजनेस है स्टारलिंक, तो उसमें भाई वो अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं लगभग 20 से 30 बिलियन डॉलर का। और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और साथ साथ वो अभी भी काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है। और आप सबको अगर नहीं पता स्टारलिंक किस तरह की सर्विस देती है तो मैं बता दूं, यहां पर आपको बेसिकली इंटरनेट की सर्विस मिलेगी सैटेलाइट के द्वारा। तो काफी ज्यादा ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी है और बोला जाता है कि इंडिया में भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और इसका जो प्राइस था वो काफी ज्यादा था और इसलिए काफी लोगों ने यूज नहीं भी किया मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं इंडिया के अंदर कभी तक ये लॉन्च होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। और हाँ, हमारी जो अगली केस स्टडी आने वाली ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऊपर, वो कल सुबह आपको 11 बजे मिल जाएगी। और मैं बता दूं आपको ये एक इन डिमांड वीडियो है, क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऊपर केस स्टडी बनाओ, और इसलिए हमने वो उस पर केस स्टडी बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप जाकर जरूर देखना, और वो काफी ज्यादा इन डेप्थ केस स्टडी होने वाली है और काफी ज्यादा आपको इंसाइटफुल लेसन भी मिलेंगे उसमें। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। कल मिलना हमसे सुबह 11 बजे डिस्टिंक्ट चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।